खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अंसार मसूद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज का ये तजिया और प्रोग्राम गुज़श्ता रोज होने वाले अंधोनाक हादसे की वजह से हमने तरतीब दिया है, जिसमें कई हजार लोग अपनी ही गाड़ियों में सारी रात बर्फानी तूफान और ठंडे यख मौसम के अंदर इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि कोई रेस्क्यू टीम, कोई हुकूमती निज़ाम आएगा और हमें इस मुसीबत से निकाल के एक साइड पर रखेगा। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हुकूमत वक्त और रियासत मदीना के दावेदार जनाब इमरान खान साहब, जो अपने हर बयान में, अपनी हर तकरीर में हदीस व कुरान का एक तर्जमा ज़रूर बयान फरमाते हैं, आज मैं भी उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कोई सुनाना चाहता हूँ, जिसमें आपका फरमान आलीशान है कि दरिया दजिया के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी प्यासा मरेगा तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसका जवाब दे होगा। तो नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ हैं सारे हाकम? आप गौर कीजिए कि ये वो लोग हैं, ये वो नाम हैं कि जिनको जन्नत की बिशारतें हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद तर्ज हुक्मरानी और अपनी रियासत की फिक्र इस हद तक थी कि वो रातों को जागते थे और रोते थे और ये दुआ मांगते थे और ये सोचते थे कि यार रब्बुल इज्जत, कल को इस मनसब का जवाब हम कैसे देंगे, इस तमाम रियासत का और इसमें बसने वाले इंसानों का हम जवाब कैसे दे पाएंगे। इतनी मशीनरी, इतना वसाई होने के बावजूद भी हुकूमत वक्त कहीं दिखाई नहीं दी, कोई रेस्क्यू, कोई सिस्टम। नाज़रीन, इस ज़माना में, इस 21वीं सदी में, जबकि इनके पास जदीद सिस्टम मौजूद हैं, जबकि इनके पास जदीद निज़ाम मौजूद हैं, जो उनको एक हफ्ता पहले की दास्तान सुना देते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होगी, फ़लाँ दिन ये होगा, तो जब इनको मालूम था कि हर साल यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और अपनी ज़िंदगियों की को इंजॉय करने में पहुँचते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, तो उनके लिए कोई इंतज़ाम किए जाएँ, उन्हें वहाँ पे क्यों नहीं रोका गया जब 50,000 की जगह 1,25,000 गाड़ी में इन होने की कोशिश कर रही थी, उनको वहाँ पे क्यों नहीं स्टॉप किया गया? उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था ताकि ये अलमनाक वाकया सादर ना होता। तो नाज़रीन, इस अलमनाक वाक़े पे हमने अवामी सर्वे भी बनाया है, लोगों की राय ली है, तो आइए हम आपको वो दिखाते हैं कि लोगों का इस वाक़े पे क्या कहना है। सबसे पहले ये हुकूमत का काम है, सियाहत का काम है, प्रोटेक्शन देना लोगों को। अब अगर हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो मैं कहूँगा जितना कसूर हुकूमत का है उतना हमारी आवाम का भी है। अब देखिए, अगर 10 बंदे मरी जाते हैं तो 100 बंदे गाड़ियाँ लेके मरी की तरफ ही चल निकले हैं, बेवकूफ़ी तो उनकी भी है। उनको नहीं पता कि 50,000 गाड़ियों की जगह तो हम 1.5 लाख गाड़ी लेके चले गए, तो वो सड़कों पर ही रुकेंगे, सड़कों पर ही हादसा होंगे। सानहा तो बहुत बड़ा है। बाहर के मुल्कों में देखें, एक बंदे को क्या, जानवर को कुछ हो जाए उस पर एक्शन लिया जाता है। अब हमारे मुल्क में 19 लोग मर रहे हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है और आवाम में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं कि ये हादसा हो चुका है रास्ते, बिलीव करें कि उनको पता नहीं कि रास्ते ये हो चुका है। अभी उनके अलावा बहुत सारे लोगों को जो गाड़ियों लेके उधर को मुँह करेंगे जिनको इस हादसे का नहीं पता, तो 19 लोग ये तो टू मच है कि 19 लोग मर जाएँ और हमारी हुकूमत के नाकस इंतज़ाम हैं। सियाहत से पैसा तो कमा रहे हैं, दावे बहुत हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो लोगों पे आप क्या लगा रहे हैं ये आपको नहीं पता? ये हमारी हुकूमत को ख्याल होना चाहिए कि अगर पैसा कमा रहे हैं तो उनमें से कुछ पैसे लोगों पर भी लगाएं। इस मुल्क में किसी के कत्ल का कुछ नहीं बनता, बड़े बड़े लोग कत्ल हो गए, एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये तो एक इंसिडेंट ही गिना जाएगा ना कि हादसा हो गया जी। इनके कत्ल का मुकदमा किस पे नाम नूम ही कराएंगे ये लोग? हुकूमत अपने पर नहीं लेगी, कोई वजीर सियाहत अपने पर नहीं लेगा कि ये हमारी गलती की, हमारी वो लेजीपन की वजह से हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये नाम नूम हो जाएगा और इंसिडेंट बन जाएगा, हादसा हो गया बस। रियासत मदीना का दावा और ये हालात, देखिए रियासत मदीना का नाम लेना भाई बहुत मुश्किल है। रियासत मदीना में जाके देखिए क्या कुछ हो रहा है, वहाँ तो एक जानवर की भी कदर है। जब एक जानवर सड़क से गुजरता है ना तो पूरी ट्रैफिक रुक जाती है कि इसकी जान बचानी है, और यहाँ इंसान मर रहे हैं उनकी जान कोई नहीं बचाता। गाड़ी का अंदेशा है, बर्फबारी है, आदमी स्टिल हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं,
उन दिनों में इनको सख्ती से अपने तमाम कारकुनों को ये बताना चाहिए कि आदमी उतने ही जाएं जितनी गुंजाइश है। वहाँ कोई मर जाता है तो गवर्नमेंट कहाँ है, वहाँ उनकी मशीनरी वगैरह कहाँ है कि आदमी विद इन फैमिली अगर किसी खाई में गिर गया तो बर्फबारी में वो मर गया, मरने से पहले पहले मशीनरी कहाँ है, हेलीपैड कहाँ है, हेलीकॉप्टर कहाँ है। हमारी आवाम मर के अगर उनके पास जवाब देने का कोई सवाल का जवाब है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सबको पता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होएगा, आगे भी क्या क्या होगा। कहने का मकसद तो ये है कि जो जो सीटों के मालिक हैं उनको अपने अपनी ड्यूटी बाइज़त तरीके से सर अंजाम दें, अपनी ईमानदारी से काम करें तो ये हादसा नहीं होंगे। मेरा ख्याल है ये हादसा नहीं हो सकते कि इन पर कंट्रोल किया जाए, आदमियों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाए कि यहाँ यार डंडे सोटे मार के भी काम लिया जाए, क्योंकि ये आवाम भी जो है ये डांगों से डंडे सोटों से मारने वाली है। देखे ना मेरी बात सुने, अगर एक बाइक पे आम आदमी रूटीन में अपनी फैमिली लेके जाता तो एक बच्चा एक अपनी फैमिली जा रही है, उसमें 10 बच्चे जो अगर बिठा लिए जाएं तो रास्ते में स्लिपिंग है, स्लिपिंग के दौरान ही अगर टायर स्लिप हो जाता है तो डेफिनेटली वो गिरेगा, मरेगा, हॉस्पिटल भरेंगे। अगर एक आदमी बंद करता है अपने आप को, यानी जितनी आवाम उतने हुक्मरान, नहीं आवाम हुक्मरान अपनी जगह पे है, आवाम अपनी जगह, हमारी पैदाइश से लेके अभी तक कितने हुक्मरान चेंज हुए, मगर ये है कि इन कामों के लिए स्ट्रिक्टली ऑर्डर होना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो घरों में सो रहे हैं, अपने अपने हीटर लगाए, वो अपनी फैमिलियों के साथ रह रहे हैं, नहीं इनके लिए भी जाके स्ट्रिक्टली ऑर्डर दें कि लोगों को साथ जो बातचीत करने का मकसद ये है कि शॉर्टली बाद में टू द पॉइंट पे आता हूँ, कहने का मकसद ये है कि हम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, अपनी फैमिलियों के साथ एकदम हजूम बना के एक ही भेड़ चाल बनी हुई है कि जो मरी पे जा रहा है वो मरी में जा रहा है, वो मरने के लिए जा रहा है, वो मरी नहीं जा रहा, वो मरने के लिए जा रहा है। होटल भरे हुए हैं, होटल वालों को बंद करना चाहिए, सील कर दे, होटल बंद होंगे, सड़कें बंद होंगी, रेड रिबन लगाया हो, रेड रिबन लगाने के बाद ये है कि स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया जाए कि यहाँ आना जाना बंद है, गुंजाइश बंद है, होटल खुले हुए तमाश भी नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चों को पाँव स्लिप हो रहे हैं, कोई खाई में गिर रहा है, कोई बसों में गिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके नॉलेज में होगा कई जो गलियात और मई का एक औसा में जो हादसा हुआ है अंधोनाग, 19 लोगों की जाने गई हैं, इस पर आप क्या कहें? मैंने न्यूज़ में देखा था, इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी नेग्लिजेंसी है सर, इनको चाहिए इसका कोई सदभाव करना ऑलरेडी भी, क्योंकि मरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पंजाब के लोग जाते हैं, और इनको कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, सब बयान देते हैं बस आके कुछ ना कुछ करते हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में लोग हैं महंगाई के, दूसरी तीसरी, कुछ जिनके पास चढ़े कोई थोड़ा सा है वो इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, अब उनकी लाशों का कौन जिम्मेदार है? बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनको सियाद साहब कह रहे हैं 9 अरब रुपया कमाया है, तो मशीनें तो एक भी नहीं सर, उनको चाहिए ना 1-2 अरब ऊपर लगाएं। ये तो मेरा ख्याल ये सारी गवर्नमेंट बस वो पैसे खाने के चक्कर में दूसरों को गालियाँ निकालते हैं और ख़ुद काम नहीं करते। ऐसे रियासत मदीना कभी देखी है आपने, कभी सुनी है? हिस्ट्री पढ़ के देख लें क्या ये सब था, कभी भी नहीं था सर। जाहिर प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है इस चीज़ का, ये पहले तो ऑलरेडी जब कोई हादसा होता था रेलवे का या किसी का, जब साहब फिक साहब थे ये रोज़ कहते थे जिनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये करना चाहिए, अब क्यों नहीं इनको कहते इस्तीफ़ा देना चाहिए? इतना कुछ हो चुका है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसी रास्ते मदीना चला रहे हैं या क्या सोचते हैं ऐसा, वही ना मसाले बस बाहर की बातें, वही कंटेनर वाली काम, वही जो उनसे भी ज़्यादा बुरे काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लाशों का जिम्मेदार कोई नहीं है, उन जिनके बिछड़ गए हैं उनको आप नहीं कर सकते, उनका मदावा नहीं कर सकते। ये बस ये सब ड्रामेबाजी रास्ते मदीना और ये वो, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि कम अज़ कम इस पे कोई एक्शन लें और कम कम वो इस्तीफ़ा दें जो जिन्होंने 9 अरब रुपया कमाया और इन पर 1 रुपया नहीं लगाया, जबकि इनको पता है कि मरी में, ये ऑलरेडी न्यूज़ में भी मैं देख रहा था कितना रश है, ट्रैफिक जैम्स हैं, तो उनका कुछ तो होना चाहिए ना सर, या कोई प्लेस को कोई ऐसा मेंटेन करें, कोई ऐसा सिस्टम करें जिससे लोगों की जान को तो कम अज़ कम खतरा ना हो। गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए था, ये इन माली जानी नुकसान होया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई जरा जिन्ना ख्याल नहीं है, गड्डी जाने के यानी कि 15-20-19 बंदे मर गए ने, दावे करते हैं कि असं ये बड़ी सहूलत दे रहे हैं, लेकिन कोई सहूलत नहीं है, बिल्कुल ही कोई इंतजाम नहीं है। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, इसका जिम्मेवार इमरान खान है,
और 19 लोग जो मरे हुए। पर्चा इमरान खान पे कटना चाहिए क्योंकि ये हमारा वो है आके में उस ये पर्चा इमरान खान पे करना चाहिए। उधर इंतजाम उसने क्यों नहीं किया, उधर इंतजाम होना चाहिए, इसका जिम्मेदार इमरान खान। मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दरअसल हालात को भांपना और खराबी पैदा होने से पहले उसका तदारुक कर लेना, इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और हुकूमत वक्त में ये चीज़ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने देखा होगा कि ये हर लम्हा यूरोप की और अमेरिका की मिसालें देते हैं, मगर ये कभी ये नहीं बताते कि यूरोप अमेरिका में बसने वाले बासियों को वहाँ की हुकूमतों ने कैसे कैसे इंतजाम और कैसे कैसे इंसेंटिव से नवाजा है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों लोग सारी रात बर्फानी तूफान में अपनी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते रहे, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर ये ना अहल और न कमी हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दी। नाज़रीन, नाज़रीन, वज़ीर सियाहत जो ये कहते नहीं थकते कि 9 अरब रुपया हमने इस साल सियाहत से जमा किया, काश कि उनको इतनी तौफीक होती कि उस 9 अरब में से चंद करोड़ उस मशीनरी को खरीदने में लगा देते जिनसे इन मरने वालों की जानें बचाई जा सकती थी, जिन मशीनों से इन लोगों को सहारा दिया जा सकता था। काश कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता कि जो एक कप चाय का ही उनको पहुँचा देता ताकि उनके मुर्दा जिस्मों में किसी हद तक जान तो बची रहती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ना सिर्फ 39 किलोमीटर इस्लामाबाद से 39 किलोमीटर का फासला, और जनाब कहाँ गए इनके हेलीकॉप्टर्स, कहाँ गई इनकी बातें और कहाँ गई इनकी मिसालें। नाज़रीन, ये सब आपके सामने हैं। फैसला आपने करना है कि क्या ये मज़ीद इनको टाइम इस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, क्या मज़ीद इनको वक्त देना चाहिए कि ये मज़ीद इंसानों की जान से खेलते रहें, क्या ये मज़ीद इंसानों को ऐसे ही ज़िंदा दरगोर करते रहें और इनको पूछने वाला कोई ना हो। इमरान खान साहब तो सबका दरबार में अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता था, कोई रेलवे का हादसा होता था तो फौरन कंटेनर में चढ़ के शोर मचाते थे कि इस्तीफा दिया जाए, नवाज शरीफ को चाहिए इस्तीफा दे। तो क्या अब इमरान खान साहब इतनी जुर्रत करेंगे कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, क्योंकि वो हक में वक्त हैं, जवाब देना उनका काम है। और कम अज कम क्या इतना आप करेंगे नाज़रीन, क्या आप इतना प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे कि जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, उनका तायुन किया जाए कि ये किन की गफलत है और ये गफलत क्यों हुई। तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास करूँगा कि खुदारा गवर्नेंस की तरफ ध्यान दें, लोगों की ज़िंदगियों की तरफ ध्यान दें। कुछ महंगाई से लोग मर रहे हैं तो कुछ लोग इंतजामात के मुकम्मल ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं। कैमरामैन हुज़ैफ़ा शाहिद के साथ अंसर मसूद भट्ट को इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।